उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि सभी पार्टियां अपनी चुनावी रंजिश तुम्हार चुनावी उठापटक में लगी हुई हैं और चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी अलग अलग मोर्चा तैयार करना शुरू कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव आज तेलंगाना के दौरे पर हैं, जहां पर अखिलेश यादव नए मोर्चे की तैयारी में हैं। इस बीच अखिलेश यादव पर भाजपा ने निशाना साधा। भाजपा का कहना है कि अखिलेश यादव एक असफल नेतृत्व करता है, जो कभी भी ममता के पास जाते हैं तो कभी राहुल गांधी को शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव फिर से अपनी नाकामियों को दोहराएंगे। अखिलेश यादव जी असफल नेतृत्व के एक ऐसे प्रतीक है जो नव नेतृत्व की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे वो कभी ममता बनर्जी के साथ खड़े होते हैं, कभी उसके बाद दूसरे दर पर पहुंचते हैं, वो चंद्रशेखर राव के पास पहुंचते हैं, वो राहुल गांधी को भी अपनी शुभेच्छाएं समर्पित करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा नेतृत्व जो अपने आप पर भरोसा नहीं करता, किसी दूसरे के पीछे बार बार जाने के आधार पर वो उत्तर प्रदेश को कोई दिशा दे पाएगा। अखिलेश जी अपनी नाकामी के इतिहास को एक बार फिर से दोहराएं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तेलंगाना दौरे को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी टिप्पणी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की हताशा का परिचायक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के कदम जिस तरफ बढ़े हैं उस तरफ सफलता ही सफलता मिलती रही है। और निश्चित रूप से तेलंगाना हो, बंगाल हो, बिहार हो, जहाँ जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएंगे वहाँ एक मजबूत अलायंस बनने का काम होगा।